जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चेहरे ढके नजर आए कई लोग। क्राइम ब्रांच का दावा, 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थे पत्थरबाज। क्राइम ब्रांच का दावा, एसआईटी जांच से साफ हो जाएगी जामिया मिलिया में 15 दिसंबर की तस्वीर। लाइब्रेरी के भीतर चेहरा ढके सुरक्षा कर्मियों के वीडियो पर क्राइम ब्रांच की सफाई, का आंसू गैस का हुआ था इस्तेमाल, इससे बचने की थी कोशिश। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र शायन मुजीब की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब। जामिया के छात्र का आरोप, 15 दिसंबर को पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर निर्दोष छात्रों को पीटा था, मुजीब ने मांगा 2 करोड़ का मुआवजा। जामिया के वीडियो को लेकर सुलगी सियासत, असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला कि पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हुई। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीडियो पर बोले कपिल सिब्बल, सामने आया पूरा सच, लाइब्रेरी में नहीं घुसने की दलील देने वाली पुलिस बेरहमी से छात्रों को पीटती दिखी। जामिया में वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया। जामिया के पत्थरबाजों पर बीजेपी ने कसा तंज, जीवीएल नरसिम्हा राव का सवाल, कंप्यूटर युग में आखिर पत्थरों से कौन सी पढ़ाई तक जा रहे थे जामिया के छात्र। शर्जील इमाम से जुड़े केस की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। इस बीच अलीगढ़ कोर्ट ने जारी की प्रोडक्शन वारंट, लेकिन तिहाड़ जेल पहुंची अलीगढ़ पुलिस। शर्जील पर कसता जा रहा है केस का शिकंजा। अब जामिया हिंसा मामले में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की गिरफ्तारी। जामिया हिंसा मामले में सबूत मिलने पर शर्जील पर कसा शिकंजा। दिल्ली को डिस्टर्ब करने के विवादित पैम्फलेट मिलने पर हुआ गिरफ्तार। इससे पहले एएमयू में असम को भारत से काटने वाला विवादित बयान देने पर जहानाबाद से गिरफ्तार हुआ था शर्जील। राजद्रोह का दर्ज हुआ है केस। शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्लान तेज। कोर्ट से नियुक्त वार्ताकार संजय हेगड़े और पुलिस की मुलाकात, सौंपा 2 महीने का बही खाता। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए 2 वार्ताकार, साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े कल करेंगे बातचीत। विदेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार को शिवसेना का साफ मुखपत्र, सामना में लिखा घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में पूरा देश एकमत। मध्यस्थता का शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने किया स्वागत, साथ ही कहा सीए वापस नहीं होने तक जारी रहेगा धरना। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा विपक्ष ने बिरयानी खिलाने के लिए बिठाया है जानवर से की तुलना। आर्टिकल 370 पर सरकार का विरोध करने वाले ब्रिटिश एमपी को एयरपोर्ट से लौटाया, दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई भेजा। कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की साजिश, श्रीनगर पुलिस ने दर्ज किया केस, कई यूजर्स निशाने पर। कश्मीर में हालात पर असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, कहा अत्याचार का नया रिकॉर्ड बना रही है सरकार। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ सेक्टर में गोलाबारी। फरार आतंकी एहसानुल्लाह पर मलाला पर गोली चलाने के साथ ही पेशावर में आर्मी स्कूल में मासूमों के कत्लेआम का भी है आरोप। गुजरात में नमस्ते ट्रंप समारोह का आयोजन, ट्रंप के दौरे से पहले अहमदाबाद पहुंचा अमेरिकी दल, 200 से ज्यादा अमेरिकी सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। अहमदाबाद पहुंची ट्रंप की कार, लगेज भी लाया गया। सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक अहमदाबाद में 1 लाख से ज्यादा लोग करेंगे ट्रंप का अभिवादन। 24 फरवरी को 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद रोड से साबरमती आश्रम तक 7 किलोमीटर तक भव्य रोड शो में करेंगे शिरकत। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन में शामिल होंगे पीएम मोदी और ट्रंप, दोनों जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। 24 फरवरी को आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया, दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। केवड़िया एयरपोर्ट से ताजमहल तक पहुंचेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 3000 कलाकार पूरे रूट पर करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत। आगरा में ट्रंप के दौरे के मद्देनजर 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती, इनमें 65 असिस्टेंट कमिश्नर, 200 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर तैनात। 25 फरवरी को दिल्ली में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे ट्रंप। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में केजरीवाल, ट्वीट कर लिखा दिल्ली में जल्द दूर होगी बसों की कमी की समस्या। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में विक्रम मजीठिया के साथ साझा किया मंच, राजनीतिक गलियारे में तेज हुई अटकलेबाजी, अकाली दल टकसाली के नेताओं से भी हुई मुलाकात। पंजाब सरकार में बगावती सुर जारी, पूर्व हॉकी प्लेयर और कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। सिद्धू के बीजेपी आम आदमी पार्टी से भी जुड़ने की चर्चाएं, दिल्ली चुनाव में दोनों दलों से सिद्धू ने बढ़ती थी दूरी। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का दावा, उद्धव ठाकरे नहीं लागू होने देंगे एनपीआर। जेडीयू से बर्खास्त प्रशांत किशोर, राजनीतिक मोर्चे पर आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, बिहार में चुनाव से पहले राजनीति में पुनर्वापसी का प्लान। युवाओं को लेकर पीके ने बनाई अपनी राजनीतिक योजना, कुछ देर में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खुलासा। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर अब राजनीतिक सारथी नहीं, योद्धा की भूमिका निभाएंगे, पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी के लिए कर चुके हैं काम। बजट के खिलाफ वाम दलों का मंडी हाउस से संसद तक विरोध मार्च, प्रकाश करात करेंगे अगुवाई।
बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध एक्टर और टीएमसी के पूर्व सांसद तापस पाल का निधन, ममता ने दी श्रद्धांजलि। स्वाति मालीवाल ने मोहन भागवत पर लगाया महिला विरोधी होने का आरोप, भागवत के बयान का दिया हवाला, बोली महिलाओं के पढ़ने से क्या हो सकती है समस्या। यूपी में आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू, लखनऊ में परीक्षा सेंटर पहुंचकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लिया तैयारी का जायजा। भुज के हॉस्टल में लड़कियों को कपड़े उतारने पर मजबूर करने के आरोप में सख्त कार्रवाई, प्रिंसिपल समेत चार गिरफ्तार। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1800 के पार, जापानी क्रूज में एक और भारतीय नागरिक का टेस्ट पॉजिटिव। पुलिस कन्हैया पर चप्पल उछालने वाले को मुश्किल से बचा पाई, चंदन कुमार गोरे ने कहा कि गोरे समाज को बदनाम करने का आरोप है कन्हैया पर। गया में सीए के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन, हवन कर विरोध करने वालों के लिए मांगी गई सद्बुद्धि। असम के तीताबोर में सीए के विरोधी और बीजेपी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। उज्जैन में संतों ने महाकाल एक्सप्रेस में महाकाल की सीट रिजर्व करने पर जताई खुशी, 12 ज्योतिर्लिंगों की भी सीट आरक्षित करने की मांग। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत को लेकर समाजवादी पार्टी का आंदोलन, बेलगाम महंगाई पर विरोध जताया। बिहार के मोतिहारी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान छात्रों के परिवार वालों का हंगामा, पुलिस ने चलाई लाठियां। पुंछ में पाकिस्तानी फौज के मोर्टार को सेना ने किया नष्ट, रिहायशी इलाके से हुई थी बरामदगी। हरिद्वार में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन हटाया, बिना इजाजत प्रदर्शन पर कार्रवाई। मुंबई के जीएसटी भवन में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्वालियर में जलकर खाक हुआ भागवत कथा के लिए बना पंडाल, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी से हुआ हादसा। शाहजहांपुर में एसयूवी कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, चार लोगों की दर्दनाक मौत। कानपुर देहात में दलित युवक पर हमले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप, उगाही से परेशान युवक ने तेजाब पीकर की खुदकुशी, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के नजदीक नोएडा में सफाई कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन, नाराज लोगों ने रोका रास्ता। संभल में शादी समारोह में जहरीली शराब पीने से दो की मौत, पुलिस प्रशासन में हड़कंप। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान की हत्या के विरोध में सड़क जाम, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर बवाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 42 लाख की करेंसी, इत्र की शीशियों में छुपाकर ले जाने की कोशिश। पंजाब के लुधियाना में फाइनेंस कंपनी में 30 किलो सोने की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे। हिसार में बारातियों से भरी इको कार और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 6 की गई जान। अगले महीने न्यूजीलैंड में भारत के दौरे के बाद ज्वाइन करेंगे दो नए सिलेक्टर, आरपी सिंह और सुलक्षण नायक सीएसी में होंगे शामिल। फाफ ड्यू प्लेसी ने छोड़ी साउथ अफ्रीका की कप्तानी, कहा टीम को नए युग की शुरुआत करने में मदद के लिए लिया फैसला। लगातार खराब चल रहा था दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, ड्यू प्लेसी के नेतृत्व में पिछले 8 में से 7 टेस्ट हारी थी टीम। अगले साल भारत में होगा हॉकी का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किया ऐलान।